में हमारे देश के कई प्रदेशों के नौजवान, जिसको डोंकी का रास्ता कहते हैं, बेरोज़गारी से, हताशा से विदेशों की तरफ जा रहे हैं। क्या विदेश मंत्रालय उनकी समस्याओं को, जो सामना उनको करना पड़ रहा है, उसके बारे में संवेदनशील है? हमारे सिटीजन्स को जो उनको जाना ही है, वो तमाम तरीके के मेथड अपनाते हैं सर, बट वी कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दीपेंद्र हुडा जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, क्या विदेश मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि सर पिछले चंद वर्षों में बिना वीज़ा के जोखिम के रास्तों से लाखों की तादाद में हमारे देश के कई प्रदेशों के नौजवान, जिसको डोंकी का रास्ता कहते हैं, बेरोज़गारी से, हताशा से विदेशों की तरफ जा रहे हैं? यूएस, केवल एक मैं यूएस का उदाहरण देता हूँ। कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल CBP US के अनुसार 97,000 भारतीय नागरिक US के दोनों पनामा के जंगलों के रास्ते, मेक्सिको बॉर्डर से या कनाडा के थ्रू US के अंदर पिछले एक वर्ष में उन्होंने उनको चेक किया है। अमानवीय परिस्थितियों से गुजरते हुए नौजवान जाते हैं। आज अभी अकेले US में 15 लाख ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। क्या विदेश मंत्रालय उनकी समस्याओं को, जो सामना उनको करना पड़ रहा है, उसके बारे में संवेदनशील है? यदि हाँ, तो क्या कर रहा है उनकी मदद के लिए? सर, आवर मिशन एंड दिस ICWF फंड, द क्वेश्चन द ऑनरेबल मिनिस्टर आस्क्ड इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट, बट इट्स अ सेंसिटिव क्वेश्चन सर, एंड आई विल एंडेवर टू गिव अ फुल रिप्लाई टू इट। सर, जो हमारे इंडियन नेशनल आज बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, so there are two categories of countries. One is ECR countries and the other is ECNR countries, where the immigration check is not required. Sir, हमारी सरकार ने एक e-migrate portal शुरू किया है सर। इसका वजह यही है कि जितने भी हमारे वर्कर्स बाहर जा रहे हैं उस पर रजिस्टर करें, तब वो बाहर जाएं। उनका डेटाबेस e-migrate portal पर रहता है, and it helps in keeping our missions in track with them। और उनकी कोई भी अगर दिक्कतें होती हैं, हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। 24/7 हेल्पलाइन भी है, मदद पोर्टल है, और भी तमाम चीज़ें हैं, कि इंश्योरेंस स्कीम है, कि उनको कोई दिक्कत ना महसूस हो। सर, ये जो e-migrate सिस्टम है सर, इट इज़ कंपलसरी फॉर ECR पासपोर्ट होल्डर्स गोइंग टू ECR कंट्रीज। इन अदर केसेज, वेदर द पासपोर्ट होल्डर इज़ नॉन ECR गोइंग टू ECR कंट्री, और वेदर द पासपोर्ट होल्डर इज ECR पासपोर्ट होल्डर गोइंग टू नॉन ECR कंट्रीज, सर वी रिकमेंड and advised to go through this e-migrate portal sir, so that उनको हम लोग सेफ रख सकें, उनकी well-being देख सकें। But for nationals who do not undertake this service provided by our government, sir, how can we know कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? Answer जो आपका ये आदरणीय सदर जी का जो question है sir, that relates more to the visa curtailing done by the US। वो लोग अपने सिस्टम को इतना सख्त रखे हुए हैं कि हमारे सिटीजन्स को जो उनको जाना ही है, वो तमाम तरीके के मेथड्स अपनाते हैं सर, बट वी कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।